तंत्र मंत्र से बर्बादी का सौदा। तो वो क्यों बर्बाद ऐसे होगा? उसका तरीका यह है, आपको उन्होंने भेजा है, आप उसको वापस किया, हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न मतलब जो आपको तकलीफ हुई वो तकलीफ उस उनने आपको उधार भेजा, हमने उधार वापस कर दिया। काले जादू से वशीकरण का खेल। सात दिन की पूजा करूंगा, उसमें आपका सारा काम दोनों सही हो जाएंगे, काम धंधे का और लड़की का भी, लड़की खुद आएगी सामने। वशीकरण पूजा करूंगा। कैमरे का शैतानी क्रिया वाले मक्कार। पूजा होता ना, जो फास्ट प्रीति में लेते लंगर, उसके थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, तो उसमें थोड़ा अपने रिजल्ट थोड़ा जल्दी मिलता है। और ये ज़्यादा रेट वाला, तो उसमें थोड़ा कम सस्ता वाला आता है, तो उसमें आपके पास टाइम लगता है रिजल्ट। जैसे मदिरा वगैरह भी चढ़ती है क्या? सब चढ़ता है उसमें, मदिरा है। फिल्म स्टारों पर काले जादू का बार। तो ये बचपन से देख रहा हूँ, अपनी फिल्म को हिट करवाने के लिए भी करते हैं और कुछ फिल्मों को फ्लॉप करवाने के लिए भी करते हैं। ये प्रथा जो है ये हमारे बचपन से चली आई है। एबीपी न्यूज़ का बड़ा खुलासा। लेकिन ये क्रिया हम दो ही दिन करते हैं, सैटरडे और ट्यूसडे। उन शक्तियों का आह्वान करना पड़ता है। ऑपरेशन फूंक। वो अपनी एक फूंक से सारी परेशानियों को दूर करने का दावा करते हैं। वो कहते हैं अपने काले जादू की शक्ति से वो किसी को माला माल कर सकते हैं तो किसी को कंगाल भी कर सकते हैं। माया नगरी मुंबई में ऐसे ही कई मक्कार तांत्रिकों का जाल बिछा हुआ है, जिनके निशाने पर है कई बड़े बड़े फिल्म स्टार। कौन है काले जादू करने वाले शैतान? देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा का यह बड़ा खुलासा, ऑपरेशन फूक। तो ये बचपन से देख रहा हूं, अपनी फिल्म को हिट करवाने के लिए भी करते हैं और कुछ फिल्मों को फ्लॉप करवाने के लिए भी करते हैं। ये प्रथा जो है ये हमारे बचपन से चली आई है। फिल्म स्टार रजा मुराद साक्षी हैं उस शैतानी क्रिया के, जिससे बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सितारे भी नहीं बचे हैं। कहानी उस काले जादू की है, जिसके आतंक भरे खेल से रजा मुराद को भी डर लगता है। फिल्म इंडस्ट्री सारे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं। उन्हें खुदा पे, ईश्वर पे, भगवान पे इतना भरोसा नहीं है जितना इन बातों पर है। फिल्म स्टार रजा मुराद की तरह ही अभिनेत्री कुनिका सदानंद ने भी काले जादू की कई डरावनी कहानियों का सामना किया है। इन्होंने भी जाने अनजाने काले जादू के खौफ को महसूस किया है। मुझे बार बार चोट आती थी तो मेरे जो स्टाफ होते थे, हेयर ड्रेसर या मेकअप मैन, अरे आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, आप एक काम करो मेरे साथ चलो, हम लोग मिलते हैं जाके उसे। मशहूर अभिनेता शेखर सुमन तो आज भी उस वाकये को याद करके थर्रा जाते हैं, जब काले जादू के प्रयोग ने इनके बेटे अध्ययन की जिंदगी में खलबली मचा दी थी। एक दिन हमने इन्होंने उसका ड्रॉर खोला तो उसमें कुछ अजीब अजीब से कॉइन्स और सुपारी और ये रखा, तो इन्होंने बोला कि शेखर इधर आओ, ये सब क्या है? आई होप ही इज नॉट डूइंग समथिंग क्रेजी। जो वो इंटायर रिचुअल जो वो बाद में पता चला करवा दी थी, तो बाद में चला कि ही वाज टेकन टू द ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान जाके कब्र पे उसको पे, वो तो मैं दहल गया। कहते हैं काले जादू का प्रयोग किसी इंसान को तबाह कर सकता है, तो किसी की मन की सारी मुराद भी पूरी कर सकता है। वैसे साइंस की नजरों में काला जादू महज एक अंधविश्वास है, लेकिन इसके बाद भी मुंबई में ऐसे फिल्मी सितारों और लोगों की कमी नहीं है जो काले जादू पर बेहद यकीन करते हैं और फिर बन जाते हैं किसी शैतान बाबा के हाथों की कठपुतली। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा, कैमरामैन आदर्श नायर के साथ माया नगरी में मुंबई में आज ऐसे ही मक्कार तांत्रिकों को बेनकाब करने के लिए निकले हैं, जिनके तंत्र मंत्र के जाल में फंसकर न जाने कितने लोग
तबाह हो चुके हैं। एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा, अगले आधे घंटे तक आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि आज एक एक कर बेपर्दा होगा सारे मक्कार तांत्रिकों का खेल। ऑपरेशन भूख। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा जब मुंबई पहुंचे तो उनके पास ऐसे मक्कार तांत्रिकों की पूरी फहरिस्त थी, जो तंत्र मंत्र का जाल बिछाते हैं और फिर लोगों को बनाते हैं अपना शिकार। सबसे पहले मनोज वर्मा उस तांत्रिक के ठिकाने पर पहुंचे जो अपने काले जादू की शक्ति से बड़े बड़े फिल्म स्टार की किस्मत बनाने और बिगाड़ने की बातें करता है। जरा देखिए वहां पहुंचने पर क्या हुआ। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद इस शख्स के चेहरे को पहचान लीजिए। ये खुद को मुंबई का सबसे बड़ा तांत्रिक बताता है। इसका कहना है कि इसके काले जादू की शक्ति के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। ये चाहे तो किसी की बिगड़ी तकदीर को पल भर में सुधार दे और चाहे तो किसी को अपने तंत्र मंत्र के खेल से पल भर में बर्बाद कर दे। इसका दावा है कि ये कई बड़े फिल्म सितारों की फिल्मों को हिट करवा चुका है, उनके बिगड़े कामों को एक ही फूंक से ठीक कर चुका है। पहचान छुपाकर इस बाबा तक पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने इस ढोंगी को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। मनोज ने इस मक्कार बाबा को बताया कि कोई शैतानी आत्मा पिछले कुछ दिनों से उसे परेशान कर रही है, हर बना हुआ काम बिगड़ जाता है। शक है कि इसके पीछे उसके पार्टनर का हाथ है, उसी ने किसी से उसके ऊपर काले जादू का प्रयोग करवाया है। जवाब में बाबा ने क्या कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए। जैसे मैं कहूँ कि मुझे लगता है कि मेरे पार्टनर जो मेरा पहले था उसने कराया हो, ऐसा मुझे फील होता है। तो हम उसे साथ कर देंगे और उसकी मुझे, मैं चाहता हूँ वो भी बर्बाद हो जाए। तो वो क्यों बर्बाद ऐसे होगा, उसका शरीर का यह है, आपको उसने भेजा है, आप उसको वापस करें, हम करेंगे नहीं। अच्छा आप नहीं करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न का मतलब जो आपको तकलीफ होगी वो तकलीफ उस उनने आपको उधार भेजा, हमने उधार वापस कर दिया। तो जो उसने उस पर कराया वो यूटर्न लेके उसके पास चला जाएगा। उसके बाद में तुमने इसको भेजा, हमने वापस मार दिया। वो करने से क्या लगा, जो तकलीफ आपको आई है वही तकलीफ उसको आई, वो भी ऐसी परेशान कर रहा है। तो इसमें ना तो मेरी पकड़ है और ना ही आपने गलत कराया। इन्होंने उधार इन्हें दिया, मैंने उधार इनको वापसी कर दिया। मतलब ये सच में होता है, मैं क्योंकि अभी तक मैं बिलीव नहीं कर पा रहा। मुंबई सेंट्रल के एक छोटे से घर में रहने वाला ये बाबा अपने तंत्र मंत्र की शक्ति का वास्ता देकर भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा था। बातों ही बातों में इसने बताया कि ये अब तक कई फिल्म स्टार्स की बिगड़ी तकदीर को एक फूंक के साथ सुधार चुका है। आपके पास तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आते होंगे। हम भी जुड़े हुए हैं एक किसी के साथ, थोड़े वो परेशान चल रहे हैं। तो कुछ होता ना फिल्में वगैरह, अच्छा घर चल रहा था उनका, लेकिन अब जो है किसी और की वजह से जो इनको मिलने चाहिए थे वो दूसरों को मिले। बहुत परेशान, बहुत लोग आते हैं, लड़के आते हैं, सब सीरियल में है, इसमें पूरा एड्रेस सबको संभाला। अच्छा बहुत देर रही थी, बहुत ज़्यादा से भी वहाँ सीरियल में काम करती हैं, बहुत बार थे होता है इसमें। तो उन्हें लिया, लाइन पे लिया, काम धंधा करता है। जैसे इनके वाले, उनको अब मूवी, अगर मूवी हिट करानी हो तो उसके लिए क्या करना होगा? अगर मूवी हिट करानी हो उसके लिए तो शुरू से पकड़ेंगे हम, किसी भी चीज़ को शुरू से पकड़ेंगे ना तो कामयाबी मिलती है। अगर हम बीच में से रुसेंगे तो हम कामयाबी मिलती है। अपने तंत्र मंत्र के नाम पर मोटी रकम ऐंठने के लिए ये ढोंगी बाबा लंबी लंबी हांक रहा था। बाबा की बातों को सुनकर वहां मौजूद हमारे कैमरामैन आदर्श नायर ने भी एक मनगढ़ंत कहानी बाबा को सुनाई। उसने बाबा को बताया कि वो बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार का प्रोडक्शन मैनेजर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके सितारे गर्दिश में हैं, उन्हें फिल्मों में बड़ा रोल नहीं मिल रहा है। जवाब में बाबा ने कहा, चिंता मत करो, यहाँ से एक फूंक मारूंगा और उधर
तुम्हारे हीरो के पास फिल्मों की छड़ी लग जाएगी। हाँ। बताने जा रहे खान साहब के साथ काम करता है, उनके साथ थोड़ा काम है मेरा, उनके साथ जुड़ा हुआ। वो हमने डायरेक्टली कभी मेरे को बताया नहीं, लेकिन हम तो रहते हैं उनके साथ तो पता चल जाता है कितने परेशान है उनका, होता है। तो कुछ बहुत दो चार अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो इनको मिलने थे, लेकिन वो इनको ना मिल के दूसरी जगह चले। वो बात हो गई, स्क्रिप्ट पढ़ लिया, उसके बाद जो है रुक मोड़ दिया। जो कर रहे हैं सिम्बा मिलने वाली थी इनको, सिम्बा मूवी रिलीज हुई ना अभी, हाँ। जो कर रहा वो मिलने वाली थी, अगर बात बात हो गई थी, लेकिन फिर हाँ वो भी अपने अलग परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं जी। फिर हमने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है हम बात, बहुत टाइम से कहाँ ये मूवी कोई आई नहीं, वो वेब सीरीज आई थी, अब वेब सीरीज मोबाइल वाली सीरीज आई है, कहाँ टीवी का स्टार इतना बड़ा। तो दिक्कत है उनके साथ, तो सोचा एक बारी हम शादी का जा रहा था, फिर मैंने बोला तू चल बात कर ले, अभी हमारी एक मीटिंग भी है फिल्म सिटी में, तो बिल्कुल बिंदास हो जाओ, इंशाल्लाह पहले आपसे शुरुआत करेंगे, फिर जैसे ही बता रहे जरूरी नहीं मेरे पास आना जी, अगर मेरी बात वहाँ पे थोड़ा आ जाओ। अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया, मैं खाली फोन पे भी पढ़ाई चालू कर दूंगा, खान साहब से फोन पे बात करा दे, हाँ पढ़ाई चालू कर दूंगा उनके, कहूंगा निकलो अब तो मार्केट में पूरा तरीके से पैक कर लूंगा, पकड़ लूंगा। मुंबई के गोरे गांव में पिछले कई सालों से काले जादू की दुकान चलाने वाला ये बाबा भी एक मक्कार तांत्रिक है। इस बाबा के पास हम अपनी सहयोगी जया के साथ पहुंचे थे। जया ने बाबा को बताया कि वो फिल्मों में रोल के लिए संघर्ष कर रही है, काफी कोशिशों के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला है। जवाब में बाबा ने कहा, बिगड़ी तकदीर बनानी है तो करवानी होगी शमशान पूजा। मेरी फ्रेंड आस्था, उसने मुझे बताया था कि उसने भी करवाई थी पूजा, तो वो मुझे बता रही थी कि हाँ उसका अब मतलब उसको टीवी शो मिल गया, अच्छा कर गया। उनको वो उनका जो पंडित जी थे मतलब जिन्होंने किया था उनका शमशान में, वो वाला नंबर उनका बंद जा रहा है, उसने कराया था तो वो कॉन्टेक्ट हो गया। क्या है ये पूजा शमशान को इधर मुंबई में नहीं मिलता है, तो ये होता है बाहर, तो आने की जरूरत नहीं, वैसे आपका फोटो लगेगा ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है, आपका पूरा नाम लगेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ लगेगा, डेट ऑफ बर्थ। इस ढोंगी की तरह ही खुद को महा अघौरी बताने वाला मुंबई के मीरा रोड का ये ढोंगी तांत्रिक भी बड़े बड़े दावे कर रहा था। इसका भी कहना था कि अपने काले जादू की शक्ति से ये कई लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में बड़े मुकाम पर पहुंचा चुका है। इससे पहले भी आपने कोई फिल्म विल्म वालों के किए हैं आपने इस तरीके के अनुष्ठान वगैरह? बहुत कार्य है लेकिन मेरा कार्य गुप्त गुप्त ही रहता है। अभी मैं 7 दिन पहले अपने अंधेरी का एक क्लाइंट था, उनका काम हो गया, बहुत अच्छा क्लाइंट था, मतलब अच्छा इसलिए था तो भगवान के प्रति उसकी आस्था बहुत देखने को मिली जो हर एक में नहीं, इसलिए अच्छा है। तो फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे वो? हाँ फिल्म लाइन से वो सिंगर बनना चाहते हैं। अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं, और ये जो टीवी प्रोग्राम आता है एयर होस्टेस करते हैं उनको, होस्ट 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 एंकर जो होता है, एंकर एंकर वो तंत्र मंत्र का जाल बिछाते हैं और काले जादू के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। मुंबई में ऐसे एक नहीं सैकड़ों मक्कार तांत्रिक हैं। और अब जरा सुनिए मुंबई के कांदिवली इलाके में वशीकरण विद्या का उस्ताद बताने वाले ये ढोंगी बाबा क्या कह रहे हैं। इसमें आपका 16,500 रुपए खर्चा है। 16,500 रुपए कैसी पूजा क्या होगी घर में? वशीकरण पूजा करूंगा मैं खुद वशीकरण करूंगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा साथ। क्या सामान वामान कुछ लाना है? सब आप लाएंगे सामान सब क्या उसी तो में सामान सुन ले आप सब मुझे रहना होगा उस पूजा में? नहीं आप बस एक बार संकल्प कराओ उसके बाद आपके। देखा आपने अपने काले जादू की शक्ति से किसी को भी वश में करने के नाम पर ये ढोंगी तांत्रिक भी रुपए ऐंठने की फिराक में है। यहाँ हम आपको बता दें कि मुंबई में काले जादू के खिलाफ कानून भी है,
लेकिन इसके बाद भी यहाँ ऐसे मक्कार तांत्रिकों की कमी नहीं है जो कभी दुश्मन के विनाश के नाम पर तो कभी कल्याण के नाम पर काले जादू के खेल से लोगों को चूना लगाते हैं। ऑफ कोर्स हम नाम नहीं ले सकते हैं, मगर बड़े बड़े नामचीन लोग इसमें इन्वॉल्व है। एक नेगेटिव पूजा अगर आप करा रहे हैं किसी के खिलाफ कि कोई किसी के पिक्चर पिट जाए या किसी का कुछ हाथ पैर टूट जाए या जो भी है, अनफॉर्चुनेटली ये प्रोफेशन में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के मापदंड अपनाते हैं और प्रैक्टिशनर्स भी हैं। हालांकि 2013 में दिसंबर में एक बहुत बड़ा एंटी सुपरस्टिशन ब्लैक मैजिक एक्ट लागू हो गया था जो मिस्टर नरेंद्र दाभोलकर जिनकी मृत्यु हो गई उन्होंने पास भी किया है, वो असेंबली में पास हो चुका है, मगर अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में भी हम देखेंगे कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में ऐसे खुलेआम एड्स चल रहे हैं कि भाई हम ब्लैक मैजिक कराते हैं, विशीकरण कराते हैं, लक्ष्मी बंधन कराते हैं। तो ये दिस इज द अनफॉर्चुनेट फेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन द करंट सिनेरियो इन इंडिया। मुंबई के जाने माने एस्ट्रोलॉजर भाविक संघवी की माने तो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े सितारे भी अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए काले जादू के जाल में फंस जाते हैं और ये खेल अब भी जारी है। जरा देखिए मामले की तह तक जाने के लिए एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने जब अभिनेत्री कोनिका सदानंद ने भी एक तांत्रिक से फोन पर बात की तो उसने क्या कहा? हेलो, आप कौन? विजय जी बोल रहे हैं? हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हो? मैं तो मुंबई से बोल रही हूँ जी। आप जादू टोना वगैरह करते हैं? बिल्कुल। क्योंकि मुझे ना मेरे काम वगैरह में बहुत तकलीफ हो रही है तो अघोरी क्रिया करता हूँ। हाँ जी, अघोरी क्रिया। अघोरी क्रिया मतलब वो आप मुझे शमशान वगैरह में जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग करते हैं। आपके फोटो नाम और पास होना चाहिए। कितना खर्चा आएगा इसका पूजा का? मैडम खर्चा। मुंबई में फिल्मी सितारों के साथ ही आम लोगों को भी काले जादू के नाम पर ठगने वाले ये ढोंगी बाबा और मक्कार तांत्रिक अब बेनकाब हो चुके हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इनके खिलाफ स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा या फिर इनके काले जादू का खेल यूं ही चलता रहेगा। सच्ची घटना स्पेशल के लिए आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। आज की सच्ची घटना स्पेशल में बस इतना ही। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटना लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।